सोनभद्र में जहां एक तरफ सरकार और जहां पर अधिशासी अधिकारी पुलिस कर्मी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं अगर दूसरी ओर इसके पहलू को देखा जाए तो वहीं अधिकारी कहीं ना कहीं खनन माफियाओं से डर कर बैठे हैं। जी आपको बताते चले कि खनन विभाग के लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ खनन विभाग के ऊपर अवैध खनन करने वाले अपराधियों का ज्यादा दबदबा होता नजर आ रहा है। इसी मामले में आपको बता दें कि अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी स्थानों पर, सरकारी जगहों पर अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं की गुंडागर्दी लगातार जारी है। दिखाते हैं आवाज स्टूडियो रिपोर्ट की इस वक्त की रिपोर्ट। सोनभद्र का लाल सोना यानी बालू कही जाने वाली रेत की जो लूट मची है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनभद्र में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। खनन माफियाओं के अधिकारियों से ऐसी साठगांठ कि बालू के बारे में जानने के लिए फोन किया जाए तो कोई ना कोई बहाना बनाकर पहले तो फोन काट दिया जाता है और फिर यदि बताते हैं तो सिर्फ जांच की बात कही जाती है। बालू साइट पर जाकर देखा गया तो वहां प्रतिबंधित मशीनों को धड़ल्ले से उपयोग में लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी नाव पर इंजन का प्रयोग कर बालू का खनन बीज धारा में जाकर किया जा रहा है। एक एक साइट पर आधा दर्जन नाव का उपयोग कर नदी का सीना चीर दिया जा रहा है। एक्सकवेटर यानी खुदाई के यंत्र को भी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। जिस निर्धारित जगह पर खनन पत्ता हुआ है वहां खनन ना कर बीच नदी में धारों को अवरुद्ध कर एक्सकवेटर से बालू निकाला जा रहा है। मशीनों के कारण जलीय जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर है। नदी में जाने के लिए बाकायदा बोल्डर, बबुल के पेड़ व बस्सी के जरिए रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है, किंतु उस अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो एसपी बायो के नाम से वो एक लीड हुई है जहाँ पे बालू की लोडिंग हो रही है। सर कितनी गाड़ियाँ डेली लोड होनी चाहिए और मानक के अनुसार? अभी खिवंदा में तीन खनन पट्टे हैं जी, एक आरकेटीसी, ओमैक्स और एक एसपी बायो, तीन पट्टे हैं और हमारे पास शिकायत आई थी, हमने जांच कराया है। जो कल छुट्टी थी अभी जाँच रिपोर्ट तैयार नहीं है। तीनों पट्टे की जाँच हमने कराई, तीनों पट्टे की जांच कराने के बाद जैसे रिपोर्ट सर्वेयर साहब, इंस्पेक्टर साहब को भेजा और जांच रिपोर्ट आएगी, उसके जो उनकी प्रतिकूल बातें आएंगी और संज्ञान में लेकर उसको कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, जैसे कितनी गाड़ियां अनिर्धारित होती होगी कि कितनी एक दिन में कितनी गाड़ियां जो है? एक दिन में नहीं, एक साल में क्वांटिटी फिक्स होती है जी। एक साल की क्वांटिटी फिक्स होती है, हर एक पट्टे के अलग अलग है, उसके इसी में प्रोविजन होते हैं, उसके पर डे के हिसाब से ऐसा कोई नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ। अच्छा सर, क्या मशीन का परमिशन है कि मशीन से लोडिंग की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, लोडिंग और नाव से जो है खनन किया जाएगा? नाव के माध्यम से नहीं होगा, और अगर ऐसा पाया जाता है उनके खिलाफ जो नियम प्राविधान है, पेनल्टी का प्रोविजन है, वो उनसे वसूली जाएगी। और मशीन रूल्स में ही ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया गया है, पहले नहीं था। 2021 में मशीनों का लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, मशीनों का खनन लोडिंग के लिए मशीनों का